तो इसके साथ साथ मैं हूँ कार्तिक और आप देख रहे हो ऑलराउंडर की थ्री। ये है सेकेंड वीडियो एग्जाम के बाद का और आज इस वीडियो में करने वाले एकदम जोरदार धमाकेदार बहुत ही बढ़िया अनबॉक्सिंग जो कि है ये मिनी ड्राइविंग लाइट। ये जो लाइट है स्पेशली मैंने अपनी बाइक के लिए, जो बाइक है उसकी लाइट के लिए खरीदी है जो कि साइड में फिट होती है। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि वो लोग एकदम गोल बड़ी वाली लाइट फिट कराते हैं नंबर प्लेट ऐसे इसमें, तो मैंने सोचा कि ना छोटी वाली कराएं क्योंकि पुरानी बाइक है 2007 मॉडल है सीडी डीलक्स हीरो होंडा सीडी डीलक्स, उसकी लाइट जो इतनी अच्छी नहीं है। मैंने बल्ब चेंज करके देखी एलईडी लाइट के देखी पर उसकी लाइट में कुछ फ़र्क नहीं दिखा, तो मैंने सोचा मैंने एक्सटर्नली अपन लगवा के देखी लगाएँ उसमें देखें। तो ये है ये काफ़ी बढ़िया लाइट, दो प्रोजेक्टर्स हैं ये यहाँ पर फोटो में देख सकते हो, साथ में दो कलर की लाइट। ये मैंने लोकल शॉप लोकली शॉप से लिए है, मतलब ऑनलाइन नहीं मंगाई, लोकल शॉप की है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पर मैं नहीं, तो आप लोग ऑनलाइन भी इसको ले सकते हो, मैं देख लेना डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार। तो फिलहाल इस लाइट की करते हैं जल्दी से अनबॉक्सिंग, तो विदाउट एनी फर्दर मोर टाइम गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस टाइप का दिखता है बॉक्स, यहाँ पे आप पीछे देखोगे तो कुछ स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी। चलो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगी दो एलईडी प्रोजेक्टर लैंप्स, ये है इसका करंट कंट्रोल के लिए और ये है एलईडी। पीछे आपको फ़ैन भी मिल जाएगा इसमें और डुअल कलर एलईडी से। दूसरी एलईडी भी निकाल लेते हैं अब और जहाँ पे कुछ और सामान मिलेगा बाइक में, जैसे कि यहाँ पे एल्कीन मिलेगी और जो क्लिप रहती है वो। टोटल ये सारा सामान जो है आप लोग को मिलने वाला है बॉक्स के अंदर। यहाँ पे ये इसलिए दिए तो कि यहाँ पे जो नट है इसको ओपन कर सकें और मतलब ढीला कर सकें। इसके बाद आपको दो क्लैंप खरीदने पड़ेंगे ताकि आप इसको बाइक में फिट कर सकूँ। तो वो जो क्लिप मैंने आपको बताई वो आप लोग को लोकल शॉप से लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ आप लोग को स्विच जो है वो भी लेना पड़ेगा। स्विच दिखाता हूँ आप लोग को कैसे, आप ये देखो भाई जी इस टाइप में जो स्विच रहता है ये आप लोग को लेना पड़ेगा। टोटल दो स्विच लग जाएंगे, एक लाइट ऑन वाइट वाली लाइट के लिए मतलब हाई बीम के लिए और येलो लाइट मतलब लो बीम के लिए। अब वो जो दो क्लैंप क्लिप रहती हैं वो आप लोग को इसलिए लेनी पड़ेंगी क्योंकि जो फिट करवाओगे आप लोग जहाँ पे, उससे मैं आप लोग को बताता हूँ कहाँ पे फिट करवाना है। तो पहली जगह तो जो है जो शॉकअप का जो नट रहता है बोल्ट, वहाँ पे आप बोल्ट पे फिट करवा सकते हो, नहीं तो कुछ कुछ में यहाँ पे हेड के नीचे स्पेस रहता है तो वहाँ फिट करा सकते हो, एक जैसे यहाँ हो जाएगी और दूसरी जो है यहाँ हो जाएगी। नहीं तो लेग गार्ड लगवाते हैं बहुत लोग तो यहाँ पे फिट करवा सकते हो, मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैंने आप लोग को बता दिया तीन प्लेसेस है जहाँ आप लोग लगवा सकते हो, आप लोग की मर्जी है। जैसे मैंने शॉकअप के नट साथ लगवाने का सोचा क्योंकि वो क्लैंप है। अब एक चीज़ आप लोग को और बताता हूँ कि ये जो लाइट है उस क्लैंप में कैसे लगाना है, ये आप खुद लगा सकते हो घर पे बैठे हुए, बहुत ही ईजी है, ये सब कर सकते हो। स्विच जो है वो भी आप घर पे आराम से लगा सकते हो, उसमें बोर्ड माउथ उसमें नट लगे रहते हैं वो आप खोल सकते हो। तो मैं आप लोग को वही बता रहे हैं कि अब जो भी फिटमेंट है वो लोग आप आगे की वीडियो में देखो और जो आप लोग करना चाहो तो वैसे कर लो, तो आप लोग से अपनी मर्जी लोकल मैकेनिक से वो लगवाओ, तो वो फिटमेंट देख लेते हो मतलब जैसे करना है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले लाइट ले लो और यहाँ पे जो एल्कीन मिलती है इससे आपको यहाँ पे जो नट है इसको हटाना पड़ेगा, ये बोल्ट हटा लेना। उसके बाद जो क्लिप मिलती है उसको आप लोग यहाँ पे सही से फिट कर देना। मेरे जैसे अगर लगा रहे हो तो मेक श्योर कि वायर जो है नीचे साइड रहे आपका और अगर हेड पे लगाओगे तो ऊपर साइड, तो यहाँ पे इसको सही से क्लिप को पोजीशन सही रखना और यहाँ पे इसका जो नट है मतलब बोल्ट है उसको अच्छे से यहाँ पे टाइट कर देंगे, जिससे ये बोल्ट अच्छे से इसलिए टाइट करना ताकि ये जो है आगे और पीछे ना हो बार बार, अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगी तो फिक्स हो जाएगी पोजीशन, सिर्फ ऊपर या नीचे करने के लिए रहेगा, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो जैसे यहाँ पे देखो मैं अच्छे से टाइट कर रहा हूँ दोनों साइड की और जो स्पेस है वो भी मैंने ठीक ठाक छोड़ दी। अब इसमें फिट करना है तो यहाँ पे मैं इसमें करेंगे और ये वासर लगाऊंगा और नट को फिट कर देंगे, बिना वासर के मत करना आप लोग। अब इसको या फिर आप लोग प्लायर से या फिर जो स्पिनर आता है उससे आप कर सकते हो, एडजस्टेबल विच स्पिनर रहता है उससे आप टाइट आराम से कर सकते हो, इससे अच्छे से टाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लो ये अच्छे से हो चुके, अब दूसरा वाला टाइट कर लेते हैं उसके बाद मैं मिलता हूँ। यहाँ पे दोनों हो गए अच्छी तरीके से, अब बताता हूँ आपको उसके स्विच का, एक स्विच यहाँ लगेगा बाइक में और एक स्विच यहाँ लगने वाला है। अब आप लोग को बताता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में, तो यहाँ पे आप लोग देख लो पूरा वीडियो कि यहाँ पे इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो अब आप लोग देख लो यहाँ पे दोनों स्विच जो इंस्टॉल हो गए हैं बड़ी अच्छी तरीके से।
तीसरा दिन, और जो भी बेसिक चीज़ें मैं इंस्टॉल कर सकता था घर पे, वो सब चीज़ें जो हो गई जैसे क्लैंप फिट करना लाइट का और जो स्विच है वो बाइक में फिट करना। अब मैं प्रोफेशनल नहीं होता नहीं तो मैं घर में कर सकते हैं फिट। अगर आप लोग प्रोफेशनल हो तो आप लोग घर में आराम से फिट कर सकते हो, जो भी जानते हैं वायरिंग ढंग से। मैं नहीं हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ बाहर अब लगवाने। तो चलो अब बाहर चलें इसको फिट करवाने। तो अब यहाँ पे जो है बाइक का काम स्टार्ट हो गया। भैया तो सबसे पहले जो है वो लाइट है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं उससे शॉकअप के नट पे जो बोल्ट है उसका, जो कि मैं कर रहा था लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा था मेरे से नट, इसलिए मैंने सोचा उनसे करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया अभी वही कर रहे हैं और एक लग गया तो देखो इस टाइप का दिख रहा है। अब स्टार्ट कर रहे हैं भैया उसकी वायरिंग। तो दोनों ही जो सबसे पहले जो सारे वायर्स हैं दोनों ही लाइट के सबको साथ में जोड़ रहे हैं और उनको प्लग के वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भैया हैं उससे जो दूसरा तार है जो बैटरी से जाता है वायर, उससे बैटरी के वायर से जोड़ रहे हैं, जो कि मेरी बाइक में ग्रीन कलर का है, आप लोग की बाइक में हो सकता है दूसरे कलर को। और यहाँ पे देखो दोनों जोड़ने के बाद भैया चेक करें तो यहाँ पे वाइट कलर का और येलो कलर दोनों स्टार्ट हो गए। अब वापस से जो है हेड फिट कर रहे हैं जो। तो अब आप लोग को फॉग लैंप का थ्रो चेक कराता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेन रोड पर तो किसी रीज़न से स्ट्रीट लाइट बंद है, तो अच्छा मौका है अभी। अब मैं हेडलाइट चालू कर देता हूँ। तो ये है इसकी लो बीम हेडलाइट। अब फॉग लैंप की लो बीम चालू करते हैं। तो ये है इसकी फॉग लैंप काम करते हैं। अब इसके हेडलैम्प बंद कर देता हूँ मैं। तो ये है इसके फॉग लैंप लो बीम स्ट्रेट एंगल बना रहा है एकदम। इसकी हाई बीम का चेकआउट कर लो। तो ये इसकी हाई बीम जो कि काफ़ी दूर तक जाती है, लिटरली अगर हाईवे पे चलाओगे ना इसको लेके कुछ दिक्कत नहीं जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाती है इसकी हाई बीम और काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद फिर से लो बीम चेक कराता हूँ आप लोग। तो ये देख लो ये उसकी लो बीम। इसमें आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो, साइमल्टेनियसली हाई बीम और लो बीम को ऑन कर सकते हो, जिसमें कुछ इस टाइप का थ्रो दिखेगा आप। और ओवरऑल बताऊँ आप लोग को तो इसकी हाई और लो बीम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं। तो भाई ये था उसका पूरा परफॉर्मेंस का सेक्शन। इसमें मेरे को एक चीज़ बढ़िया लगी कि आप हाई बीम और लो बीम को साइमल्टेनियसली आप ऑन कर सकते हो। ये चीज़ वैसे अच्छा है इसलिए मैंने दो स्विचेस एक्स्ट्रा लगवाए थे। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन में फिर से बता रहा हूँ लिंक दी है, चेकआउट कर लेना एक बार आप लोग इस प्रोडक्ट को। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग को कैसा लगा भाई ये प्रोडक्ट, और मतलब क्या वर्थ इट है। मेरे ख्याल से वर्थ इट है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इसका थ्रो है वैसे भी। तो ये था वीडियो आज का। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।